कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। हमने अपने भाई को आग के सामने तड़पते हुए देखा है बिना ऑक्सीजन के। डॉक्टरों ने ऐसा काम किया है, खाली टंकी लगा दिया है और बोला कि इसमें ऑक्सीजन है। मेरा भाई मेरे आग के सामने बिना ऑक्सीजन के तड़प के गए, उसकी जान निकली, तड़प तड़प के उसकी रूह बाहर निकली है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले मोहम्मद हसीब हाशमी, जो कि 26 साल के थे और पेशे से इंजीनियर थे, उनकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि उनकी मौत के पीछे अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने की वजह थी। इस वक्त हम परिवार के साथ हैं, हमारे साथ उनके पिता मोहम्मद खुर्शीद अहमद मौजूद हैं। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों ने केंद्र सरकार को ये जानकारी नहीं दी है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत हुई है। आप कह रहे हैं कि आपका बेटा अलग अलग अस्पतालों में गया जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिला उसे, क्या है पूरा मामला? आप पूरा बताइए कि आप किन किन अस्पतालों में गए, कहां कहां आपको ऑक्सीजन नहीं मिला। कैपिटल हॉस्पिटल गए, तारीख के साथ बताइए। हाँ, तारीख कैपिटल हॉस्पिटल 14/4 को गए, 12 बजे दिन में इसने एडमिट कर लिया। ऑक्सीजन देता था कभी कभी, मतलब बढ़ता था कभी घट जाता था, तो हम लोग जाते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, क्या बंद कर दे रहे हैं क्या? तो कहता था कि ना 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 बंद नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से जाइए ना, तो आप भी उम्र ज़्यादा हो रहा है, आप भी मतलब इसके लपेटे में आ जाइएगा तो आपको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। अब अगर इस तरह की बात अगर आप करते हैं तो आप अपने पेशेंट को लेकर के जाइए। तो अब बताइए कि उस हाल में कोई कहीं लेकर के जा सकता है पेशेंट को? ये 14 रखा, 15 रखा, 16 को रात में मतलब इसने कह दिया कि हमारे पास में रात में मतलब 10:30-11 बजे रात में बोल रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। एक तो सारे अस्पताल से सारे स्टाफ इसके भाग गए, उसके डायरेक्टर था तारिक नाम कर करके, उसको खोजते रहे हम लोग, नहीं मिला, काउंटर पर भी कोई नहीं मिला। उसके बाद मतलब उसका कुछ बिल था, कहीं के बिल जमा कीजिए, हम कहा कि आप अपना बिल लो, हमारा पेशेंट का नाम काटो, हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। उस बीच में मेरा मंझला बेटा जो अभी बंगाल में है वो यहाँ रहा, हम एम्बुलेंस के चक्कर में चारों तरफ एम्बुलेंस भी कहीं नहीं मिली, तो किसी तरह से एम्बुलेंस एक मिला जो 5,000 रुपया निदान हॉस्पिटल ले जाने के लिए मिला। निदान हॉस्पिटल अनिसाबाद में है, बेउर से पहले, बेउर मोड़ से पहले, इधर से जाने में दाहिने तरफ। 16 तारीख को वहाँ लेकर के गए, उसके बाद वो एडमिट कर लिया रात में करीब 11-12 बजे रात में। उसके बाद वहाँ 16-17 रखा, 18 को रात में वो भी 10:30-11 बजे के आसपास बोल रहा है कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप व्यवस्था कर पाते हैं तो कीजिए। हम लोग दिन से ही मतलब और अब सोचे थे कि ऑक्सीजन कहीं मिल जाएगा, तो फतुहा, पटना सिटी, दीघा, गाड़ी एक 4-व्हीलर रिजर्व किए थे उससे दौड़वाए, कहीं ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाया। जहाँ जहाँ लोगों से लगाव था, जो फैक्ट्रियों में छोटे छोटे फैक्ट्रियों में रखते हैं लोग ना, कहीं नहीं था। मायूस होकर के लौट आया आदमी। उसके बाद 11 बजे ये उसी हॉस्पिटल गंगोत्री हॉस्पिटल जो भूतनाथ रोड बाईपास में है ने बात करवाया, कहीं कि हाँ हमारे यहाँ ऑक्सीजन है। तो 18 को रात में हम वहाँ लेकर के 12 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ भी ऑक्सीजन मतलब लगाया, लेकिन ऑक्सीजन में सुधार नहीं हुआ। उससे हम लोग कहें तो कहे कि डॉक्टर हम हैं कि आप हैं? हम कहा कि नहीं भाई, डॉक्टर आप हैं, हम कैसे हैं? अगर हम रहते तो हम अपने घर पे इलाज करते। खाली बोतल में या बस पेशेंट को दिखाने। उसके बाद मतलब वो वहाँ पे तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ते गया। लास्ट में सुबह के टाइम में ऐसा हुआ कि बस सिर्फ यहीं पे जान रह गया, बाकी ऑक्सीजन था ही नहीं उसके पास कि जो ऑक्सीजन देता। और उसके बाद वो भी डॉक्टर वहाँ से फरार हो गया। डॉक्टर आलोक या क्या अपने आप को कहता है वो भी वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं रहा। लास्ट में 8:30-9 के आसपास एक्सपायर कर गया। हम लोग फिर वहाँ से लेकर के कब्रिस्तान आए डायरेक्ट। इसने ये
कैपिटल वालों ने आरटीपीसीआर भी करवाया था सरल लैब से। उसके बाद ये चेस्ट का कमेटी बोलते हैं सीआर, वो भी कराया था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इसने ही धोखा हमको पहले शुरुआती यहीं से धोखा हमको मिला। एक बार कि 11 बजे रात में अगर कोई कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या करते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर पाता। कहीं कोई हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं था, हमारे जो मिलने वाले थे फिर भी लोग कोशिश किए कि मतलब चाहे पारस में मिल जाए, रुवन में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए बेड, मतलब IEIMS में मिल जाए, रात में भी मतलब दौड़े लोग, लेकिन कहीं कोई बेड नहीं था। हर जगह ऑक्सीजन का लोचा था, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं था। आपको लगता है कि अगर ऑक्सीजन मिला होता अस्पतालों में तो आपका बेटा बच गया होता? 100% बच जाता। मेरा बेटा बच जाता ऑक्सीजन अगर में। यहाँ तक है कि निदान में लेके 2.5 लाख रुपया तो भी कैपिटल वाला ले लिया। फर्स्ट जो ट्रीटमेंट कराए काशिफ रहमान 30-40 हज़ार 20-25 हज़ार रुपया वो भी ले लिया। करीब 2.5 लाख रुपया निदान भी ले लिया। 70 हज़ार रुपया गंगोत्री भी लिया। निदान में ये नौबत आया कि मतलब उसके जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर जो है 15 हज़ार का एक भाइल मिल रहा है आदमी खखन में। तो हम लोग पूछा कि कितना लगेगा? तो 6 ठो लगेगा। 90 हज़ार रुपया तुरंत दिया गया, मतलब ट्रांसफ़र किया गया, कुछ कैश दिया गया। रोजाना का बिल आता था मतलब ICU का और ये दवा हुआ का मिला करके 70 हज़ार 75 हज़ार, और इंजेक्शन और सब बाहर से और लाते थे। ये तो यहाँ तक के कैपिटल वाला था कि 2 बजे रात में कहता था कि ये इंजेक्शन मेरे पास नहीं है, आप जाइए वहाँ गेटवेल जाते थे तो वहाँ नहीं मिलता था, इसका नंबर लेके जाते थे। तो उसके बाद कहता था कि आप वहीं पर रुकिए, हम बताते हैं कहाँ मिलेगा। फिर वहाँ से आते थे उधरी चितकोड़ा होकर के SS आते थे, तो SS में मिलता था। कुछ इंजेक्शन ऐसा लिखता था कि नहीं मिला तो ये 17 को जाकर के 16 को जाकर के यहाँ दिन में मंडी जो है गोविंद मित्रा रोड, वहाँ से कुछ इंजेक्शन लेकर के आए थे 16 को दोपहर में। मोहम्मद हसीब हाशमी के बड़े भाई भी हैं, क्या नाम है आपका? बख्तावर जिलानी। बख्तावर, ये बताइए कि सरकार कह रही है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई, आप लोग कह रहे हैं कि आपके छोटे भाई को ऑक्सीजन नहीं मिला, 3 अलग-अलग अस्पतालों में आप गए और हर जगह आपको बाद में यही कहा गया कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, अब आप अपने पेशेंट को ले जाइए। ये कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। हमने अपने भाई को आग के सामने तड़पते हुए देखा है बिना ऑक्सीजन के। डॉक्टरों ने ऐसा काम किया है, खाली टंकी लगा दिया है और बोला कि इसमें ऑक्सीजन है। मेरा भाई मेरे आँख के सामने बिना ऑक्सीजन के तड़प के गया, उसकी जान निकली, तड़प तड़प के उसकी रूह बाहर निकली है। आँख का देखा हुआ चीज़ है, गवर्नमेंट क्या कहती है वो नहीं पता है, पर जो मैंने अपने आँख से देखा है वो हम बता सकते हैं कि मेरे भाई की जान बिना ऑक्सीजन के गई है। सरकार कह रही है कि पूरे देश में कहीं भी किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई, हालांकि हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा कि किस तरीके से एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़पते रहे, मरते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाई, ये सबने देखा, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं दिया।